इसी क्रम में हमारे बीच है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री रामोदा शर्मा जी। मैं चाहूंगा आज के अवसर पर दो शब्द रखें और आप तालियों से स्वागत करें हमारे वक्ताओं का। हमारे बीच में आदरणीय श्री नवीन जैन जी के विचार सुनने के बाद ये बात तो तय हो जाती है कि जय हिंद मंच की स्थापना क्यों और किस लिए की गई। मैं एक एडवोकेट होते हुए किसी संगठन से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि वकालत में सुबह से शाम कोर्ट और कोर्ट के बाद में आपका ऑफिस, ऑफिस के बाद में फिर रात को भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन कोई एक ऐसा संगठन मुझे मिला जिससे मेरे दिल ने आवाज़ दी कि हाँ, इस संगठन से मुझे जुड़ना चाहिए। और इससे जुड़े हुए मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए हैं। इतने लंबे समय में मैंने जो देखा कि आदरणीय सुरेश शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय हिंद मंच के, आदरणीय सुरेश शर्मा जी से मुझे जो प्रेरणा मिली कि सिर्फ एक ऐसा संगठन जो शहीदों के सम्मान के लिए खड़ा होता है, राष्ट्रीय जय हिंद मंच, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए हैं, जिन्होंने, जिन परिवारों ने अपने लाल को, अपने बेटे को बॉर्डर पे भेजा है, उनके सम्मान के लिए खड़े हैं, तो मेरा भी दिल किया कि ऐसे संगठन से जुड़ना मेरे लिए अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यहाँ पर आज राजू भाई ने जो आयोजन किया है ये बड़ा ही एक अच्छा कार्य है, और इस अच्छे कार्य में एक प्रेरणा समाज को, सोसाइटी को और आगे वाली युवाओं को जो दी जा रही है वो एक ऐसी प्रेरणा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी सिचुएशन कभी आनी नहीं चाहिए कि देश में हमारे यहाँ कोई शहीद कहा जाए। हमेशा हमारा वीर जिंदा और जिंदा ही रहना चाहिए, चाहे वो हमारे दिलों में रहे। और जो भी शहीद हुए हैं वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। इसके साथ ही हमारी जो कार्यशैली है, हमारी इन द सेंस के जो जय हिंद मंच की कार्यशैली है, जो शहीद होते हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं और प्रतिमाएं लगाकर उसकी देख रेख भी की जाती है। प्रतिमाएं इसलिए लगाई जाती हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को, जिसने अपना खून इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए बलिदान देकर दिया है, इस खून से हमारी सुरक्षा को मजबूत बना के रखा है, उससे आगे वाली आने वाली जनरेशंस प्रेरणा ले सकें, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को, उनकी प्रतिमाओं की देख रेख हमारा संगठन स्वयं भी करता है। और जो प्रतिमाएं कहीं स्टेट्स में या कहीं लगी हुई हैं उनको हम लोग गोद भी लेते हैं। आगे अगर कोई भी परिवार जो किसी भी तरह की लीगल हेल्प कभी भी जरूरत पड़े, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हो, जय हिंद मंच के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अधिकार के लिए हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन चित्रलेखा शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि आर्मी वालों को या सीआरपीएफ वालों को या इनको क्या दुख और तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या, तो वो भी समय समय पर हमें गाइड करती रहती हैं कि क्या क्या इसमें सुझाव होते हैं और हम उनसे सुझाव लेते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।